तो हेलो जनता जनार्दन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले जोया अख्तर डायरेक्टेड द आर्चीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है और मैं आज इसके ट्रेलर पे बात करने जा रहा हूँ। तो कैसा है द आर्चीज का ट्रेलर और इस फिल्म से कौन कौन से स्टार किड्स डेब्यू करने वाले हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पर बात करते हैं। तो गली बॉय के बाद जोया अख्तर अपनी अगली फिल्म द आर्चीज लेकर आ रही हैं, जो कि इसी नाम के अमेरिकन कॉमिक बुक पर बेस्ड है। इस फिल्म से शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर फिल्मी कैरियर का शुरुआत करने जा रही हैं। द आर्चीज की कहानी 1960 के इंडिया में सेट है। ये कहानी गोवा या इसके पास बसे रिवरडेल नाम के फ्रिक्शन टाउन में बेस्ड है। यहाँ एक स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले 7 बच्चे आपस में दोस्त हैं और ये सभी 17 साल के बच्चे हैं, जो दोस्ती, लव, लाइफ जैसी चीजों को समझने और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ग्रुप की एक लड़की है विरोनिका, बिजनेस फैमिली से आती है। उसके पिता रिवरडेल को मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं। बच्चों के खेलने और हैंगआउट करने के लिए बने ग्रीन पार्क को हटा कर होटल बनाना चाहते हैं। ये 7 दोस्त इसके विरोध में उतर जाते हैं। वो फाइट करते हैं कि ग्रीन पार्क बचा रहे। अब ये बच्चे जंग हारते हैं या जीतते हैं, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। दी आर्चीज एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, इसे थिएटर में रिलीज किया जा सकता था। जोया ने अपनी इस फिल्म में एक आइडिया डालने की कोशिश की है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि वो काफी हद तक उसे निभा भी गई है। आपको ट्रेलर देखकर ये लगेगा ही नहीं कि ये कोई हिंदी फिल्म है। फिल्म में काम करने वाले एक्टर के हिंदी डायलॉग भी इंग्लिश एक्सेंट में निकल रहे हैं, जो कि थोड़ा अटपटा लग रहा है। बट एक्सेंट वाली बात हटा दे तो विरोनिका के कैरेक्टर में सुहाना खान और बिट्टी के कैरेक्टर में खुशी कपूर सही लग रही हैं। अगस्त्या नंदा के फेस से फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन तीनों एक्टरों के अलावा मिहिर आहूजा, वेदांग रैना, आदित्य सहगल, युवराज मेंडा, कोयल पुरी और तारा शर्मा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि दी आर्चीज का ट्रेलर आपको कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।